शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वही पक्ष सुंदर पितृलोक प्राप्त कर लेते हैं, बबराज नामक लोक में वही पक्ष रहते हैं। उन्होंने नियम बना लिया, हमारे पितृलोक में प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाएगा, शंकर का पूजन अभिषेक किया जाएगा। एक दिन वही पक्ष पितरों की आराधना कर रहे थे, बहिर्पक्ष पितृपक्ष में शिव की आराधना में लीन थे शंकर के। कोई तुमसे पूछे, हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं? कोई तुमसे पूछे कि हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं? उस समय पर आपका जवाब होना चाहिए कि पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष, पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष पितृ शंकर भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, शिव की आराधना में लीन रहते हैं। शंकर के बहिर्पक्ष शिव की आराधना, बहिर्पक्ष बैठे थे। मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था। उनके मन में आया, मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण करे। बहिर्पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी हुआ। पीवरी पीवरी बड़ी हुई, शिवरात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम था कि पितृ पक्ष में सोलह दिन जो पितरों के होते हैं, इस पितृ पक्ष के अंदर सोलह दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृ पक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था। बच्चे थे, इसके स्मरण में नहीं आए, इसके स्मरण में नहीं पहुंचे। पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत, आश्विन के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन बैठी और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही, पार्थिव लिंग का निर्माण करते करते पार्थिव लिंग के निर्माण का पूजन कर रही थी और पूजन करते करते उसके मन में आ गया, उसके मन में आया कि मैं विवाह करूं उससे, मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात कर। संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात, मैं विवाह उससे। पीवरी के मन में आ गया, इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल 40 साल 30 साल हो गए और शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक एक बूंद घी, गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है, अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल 40 साल 30 साल 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख कौन से निवेदन करेंगे, उनसे निवेदन। प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी,
गाय के दूध से, नकली नहीं। नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा है तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था आप लोगों के स्मरण में, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो असली दीजिए, गौ माता का दीजिए, एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगाओ, देसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दे पर भगवान को शुद्ध दे, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए। प्रेम वश भगवान को। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन, अगर बन सके जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृ दोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए, संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देव अधिदेव महादेव को घृत का लेपन कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ, अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृ पक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा, केवल पितृ पक्ष की, पितृ पक्ष की।